एवरीवन वेलकम टू करण क्रंच तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो आज हम हमारा चैप्टर सिक्स जो है वो कंप्लीट करेंगे पेपर बी का पेपर बी मैं करंटली करवा रही हूँ नितिन सांगवान एसेंशियल सोशलॉजी लेटेस्ट एडिश, एडिशन से अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना होगा मेरा जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी वहां पर मैं चैप्टर वाइज पीडीएफ अपलोड करती हूँ तो फाइव प्रीवियस चैप्टर्स के पीडीएफ आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है तो इस चैनल पे आपको आने वाले टाइम में इग्नो रिलेटेड जो भी मटेरियल रेलिवेंट है आपके यूपीएससी सोशोलॉजी के लिए प्लस पी क्यूज एंड विजन आई के कुछ टॉपर्स के आंसर स्क्रिप्ट ठीक है एंड कुछ एडिशनल थिंकर्स के नोट्स एडिशनल थिंकर्स के वीडियोज एंड आपकी रिविजन सीरीज तो आने वाले टाइम में आपको ऐसा कुछ देखने को मिलेगा इस चैनल पे और अगर आप ये सब कुछ मिस नहीं करना चाहते तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड कमेंट सेक्शन में बताएं आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं ठीक है तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो हम कर रहे हैं चैप्टर सिक्स

फिर मनी इकोनमी आने लगी बट बहुत रेडिमेंट्री फॉर्म में उतनी डेवलप नहीं थी इंडस्ट्रीज नहीं थी ठीक है अर्बन फॉर्म नहीं था यूजुअली कास्ट जो था वही आपके क्लास के साथ चलता था एंड एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज में सारे थे तो यूजुअली आपके पेजेंट्स एंड आपके जो फार्मर्स वगैरह हैं यही क्लास स्ट्रक्चर्स हमें देखने को मिलता था लेकिन ब्रिटिश रूल के आने के बाद काफी चेंजेस आई जैसे एक नया एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर आया नई इंडस्ट्रीज आ गई ठीक है डिमांड आ गई न्यू सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए जैसे हमारे पास लॉयर्स आ गए टीचर्स डॉक्टर्स अपने हिस्ट्री में पढ़ी होंगी ये सारी चीज़ें ये सारे जो हो गए इमर्ज हुए ठीक है अकॉर्डिंगली हमारा जो क्लास स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा ज़्यादा डिफरेंशिएट होता गया जिसको हम डिफरेंशिएटेड क्लास स्ट्रक्चर इन अर्बन एरियाज़ बोलते हैं क्योंकि काफ़ी ऐसे लोग थे जो मॉडर्न एजुकेशन से उनका जो है पहली बार उनको पता चला था कि मॉडर्न एजुकेशन क्या होती है तो मॉडर्न एजुकेटेड वेस्टर्न एजुकेटेड इंडिविजुअल्स इंडिविजुअल्स बने एंड अकॉर्डिंगली उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेशन जो है अपने लिए चूज़ किए जैसे ही उनके प्रोफेशन बढ़ते गए हमारी सोसाइटी में एक डिफरेंशिएटेड अर्बन क्लास स्ट्रक्चर जो है वो आता गया एंड इस सब चीज को कॉम्प्लीमेंट किसने किया जैसे ब्रिटिशर्स ने आपका एक मनी इकोनमी वाला सिस्टम स्टार्ट किया था मार्केट में पैसा आ गया था तो नई क्लासेस का इमर्ज होना बनता था वर्क प्लेस पे आपको काफी डिविजन ऑफ लेबर देखने को मिलेगा क्योंकि अब कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इंडस्ट्रियल सेटअप हमारा जो है वो आने लगा था एंड अब क्या होता है मॉडर्न इंडस्ट्रीज में जितनी बड़ी इंडस्ट्री होगी उतना उसका जो है ये uh, डिफरेंशन yeah, होगी उतनी अंदर हायर की होगी उतने अंदर डिपार्टमेंट्स होंगे जो काम करते होंगे तो डिविजन ऑफ लेबर जो बहुत ज्यादा बढ़ता गया जैसे ही हमारा डिविजन ऑफ लेबर बढ़ा अकॉर्डिंगली हमारा क्लास स्ट्रक्चर भी चेंज हुआ तो डिविजन ऑफ लेबर क्या होता है जिसमें मैंने पहले भी दो चार बार विडियोज में एक्सप्लेन किया है आप एक कॉम्प्लेक्स टास्क को स्प्लिट करते हो नंबर ऑफ एक्टिविटीज में ठीक है स्प्लिट इनटू नंबर ऑफ एक्टिविटीज जैसे मैं हमेशा आपको वीडियोस में किसकी एग्जांपल देती हूँ मोबाइल फोन की कि ऐसा नहीं होता है फैक्ट्रीज में डायरेक्टली मोबाइल फोन आता है कहीं पे मोबाइल फोन का स्क्रीन बनता है कहीं पे इसका आईसीज वगैरह बनती हैं कहीं पे हार्डवेयर डेवलप होता है कहीं सॉफ्टवेयर डेवलप होता है तो एक मोबाइल फोन जो कि एक एक्टिविटी है कॉम्प्लेक्स टास्क है उसको हम स्प्लिट करते हैं वेरियस एक्टिविटीज में तो इकनो इकनोमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपका डिविजन ऑफ लेबर है तो यही डिविजन ऑफ लेबर हमने इंडस्ट्रीज में देखा जैसे इंडस्ट्रीज बढ़ी उनके अंदर की जो एक्टिविटीज है वो स्प्लिट होती गई अकॉर्डिंगली नया नया हमारे पास सामने डिपार्टमेंट आया ठीक है और जो आपका क्लास स्ट्रक्चर है अर्बन क्लास स्ट्रक्चर वो इतना ही ज्यादा डिफ्रेंशिएट होता गया तो जो ऑरिजिन है अर्बन इंडियन कैपिटल क्लास का इसको हम ले कैन बी ट्रेस बैक टू मर्चेंट क्लास हु वर देयर बिफोर द अराइवल ऑफ द ब्रिटिश रूल अब ऐसा नहीं है कि ब्रिटिशर्स के आने से पहले बिल्कुल ही ये कोई हमारा ऐसा कोई स्ट्रक्चर डेवलप नहीं था नहीं उसके जो सीड्स थे वो पहले ही सो हो गए थे क्योंकि हमारे अपने मर्चेंट ट्रेडर्स थे मर्चेंट्स बेसिकली कौन होते हैं आपके लोग या कंपनी जो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स में इन्वॉल्व होते हैं तो ये सारे जो मर्चेंट ट्रेडर्स थे जैसे आपने नाम सुने होंगे गुजरात में आपके राजस्थान में मरवारीस बनियाज जिनको बिजनेसमैन बहुत बड़े होते हैं ठीक है आपके, आपके साउथ में चेटियार्स ठीक है तो ये सारी क्लास एंड खोजाज तो ये सारे जो मर्चेंट क्लास है ये ऑलरेडी जो है एग्जिस्ट करते थे बिफोर द अराइवल ऑफ ब्रिटिश तो ये जो थे क्योंकि इनको थोड़ा बहुत बिजनेस का आइडिया था दे न्यू अबाउट दिस थिंग तो दे वर द फर्स्ट वन टू रीप गेन्स आउट ऑफ इट उनको पहली उन वो पहली क्लास थी जिसको फायदा हुआ ब्रिटिशर्स का ये एक कैपिटलिस्टिक क्लास वाला स्ट्रक्चर इंडिया में लाने का ठीक है टुडे जो इंडिया का कॉर्पोरेट सेक्टर है ये बहुत ज्यादा बड़ा है हमें पता है हाईली डाइवर्सिफाइड है अकॉर्डिंगली हमारे पास काफी ज्यादा क्लासेस देखने को मिलती हैं जो टॉप मोस्ट मैनेजमेंट है वो अभी भी कौन होते हैं बड़े बिजनेस ओनर्स मिडिल मैनेजमेंट हो गया आपके अपवर्ड मोबाइल मिडिल क्लासेस ठीक है और जो एजुकेशन है वो प्राइम मीडियम है जो इस चीज को पॉसिबल कराता है क्योंकि इन सब जगह पे पहुंचने के लिए यू नीड टू बी हाईली एजुकेटेड एंड हाईली स्किलफुल अर्बन इंडिया में आपको नई प्रोफेशनल क्लासेस भी देखने को मिलेंगी जैसे आपके ब्यूरोक्रेट्स हो गए मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव टेक्नोक्रेट्स डॉक्टर्स लॉयर टीचर जर्नलिस्ट एक्सेट्रा ये भी किसकी वजह से आता है प्रोसेस ऑफ कॉन्टिन्यूस डिविजन ऑफ लेबर सोसाइटी में भी डिविजन ऑफ लेबर होता रहता है पहले क्या होता था एक वैद होते थे पुराने जमाने में ठीक है बड़े कुछ लोग पढ़ने के लिए भी उन्हीं के पास जाते थे सीखने के लिए एंड आपको ट्रीट भी वही करते थे पर आज हमारे पास क्या है अब आप टीचर भी उस जमाने में वही होते थे वैद्य भी वही होते थे ठीक है एंड जो आपके गांव के मुखिया कोई सजेशन लेने के लिए आप किसी के पास जाते हो वो भी वही होते थे तो एक ही इंसान ये सारी एक्टिविटीज़ करता था आज हमारे पास क्या है आज हमारे पास काउंसलर्स हैं अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है मैरिज काउंसलर्स हैं आपके पास आप उनके पास जाते हो बीमार हो तो आप किसके पास जाओगे आप डॉक्टर के पास जाओगे एन डॉक्टर प्रोफेशन में भी आपको अलग स्पेशलाइजेशन मिलेंगे आपको फिजिशियन अलग मिलेगा कार्डियोलॉजिस्ट अलग मिलेगा ठीक है और अगर आपको कोई पढ़ाई के रिलेटेड प्रॉब्लम है आप टीचर्स के पास जाओगे टीचर्स में भी आपको अलग स्पेशलाइजेशन मिलेंगी तो आज के हाईली डाइवर्स ऑक्यूपेशन सिस्टम हमारा बना है पुराने जमाने में क्या होते एक दो लोग ही होते थे जिनको सारे लोग हर प्रॉब्लम के लिए कंसल्ट करते थे

टलिस्टिक क्लास होगी आपकी जो आपके बिजनेस ओनर्स हैं आपके कैपिटलिस्ट हैं एंड कॉर्पोरेट क्लास होगी आपकी जो आपकी इन कैपिटलिस्ट इन कॉर्पोरेट्स वगैरह में काम करते हैं हाई वहाँ के जो स्किल्ड प्रोफेशनल्स हाई अर्निंग प्रोफेशनल्स होते हैं एंड इनके अलावा आपको ऐसे भी लोग मिलेंगे जिनका कैपिटल भी कम होगा एंड स्किल्स भी कम होंगे जैसे आपके स्मॉल टाइम ऑन्टरप्रन्यर्स होगी स्मॉल ट्रेडर्स होगी जिनकी स्मॉल शॉप्स होती हैं वो स्मॉल बिजनेस रन करता है तो ये भी आपकी क्लास सामने आ जाती है तो इन बातों से बेसिकली पता क्या चलता है कैसे हमारे हमारे पास स्लोली अलग अलग डिफरेंट क्लासेस जो हैं वो अकर हो रही हैं जो पहले हमारे पास लैंडलेस एग्रेरियन क्लास थी वो अब आपके पास क्या आ गई उन्होंने अपना वो एग्रीकल्चर वाला काम छोड़ा एंड वो आपकी सिटीज में आके काम करने लगी एंड वो बन गई आपकी वर्किंग क्लास तो जहां पे एक आपकी कैपिटलिस्टिक क्लास है एक आपकी आ गई वर्किंग क्लास ठीक प्रपोर्शन एस प्लांटेशन फैक्ट्रीज माइनिंग इंडस्ट्री ट्रांसपोर्ट रेलवेज एंड अदर इंडस्ट्रियल सेक्टर्स डेवलप एंड एक्सपैंडेड इन इंडिया ठीक है तो ये सारी क्लासेस जो है इन सारे सेक्टर्स के एक्सपैंड होने से सामने आई आपकी कौन सी क्लास स्पेशली आपकी जैसे वर्किंग क्लास क्यों क्योंकि वर्किंग क्लास के लिए आपके पास पॉपुलेशन काफ़ी ज्यादा थी ऑलरेडी एग्रीकल्चर में जो आपके पुअर पीजेंट्स थे उनके साथ काफ़ी एक्सप्लोइटेशन हुई थी तो उनको क्या चाहिए था उनको मौका चाहिए था कि वो वहाँ से भाग के माइग्रेट करके अच्छा काम कर सके तो वो मौका उनको किसने दिया ये सारे सेक्टर्स के इमरजेंस ने प्लस जो रूविंग डिजन थे जैसे ब्रिटिशर्स ने क्या किया था यहाँ के जो ट्रेडिशनल आर्टिजन थे हैंडीक्राफ्ट मैन थे जो हैंडलूम के साथ काम करते थे पॉटरी मेकिंग वगैरह वो सारा जो इनका ट्रेडिशनल फैब्रिक था इंडियन इकोनॉमी का वो खत्म हो गया था तो इनके पास अब कोई काम नहीं बचा था एक्सेप्ट ये कि माइग्रेट करें एंड इंडस्ट्रीज में जाके काम करें एंड जब ये हुआ तो वो बन गए पार्ट ऑफ वर्किंग क्लास ठीक है तो पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है उससे ये क्लास और ज्यादा स्वेल हो गई एंड मोर सो आफ्टर इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन ऑफ़ नाइनटीन तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन नाइनटीन 1991 में बेसिकली क्या हुआ था जो लाइसेंसिंग का सिस्टम था गवर्नमेंट का के, जो आपको रेस्ट्रिक्शन पोज की जाती थी बिजनेस पे वो काफी ज्यादा कम हो गई जब वो कम हो गई तो प्राइवेट सेक्टर में प्रोडक्टिविटी बढ़ गई जब प्रोडक्टिविटी बढ़ गई तो उनको किन की ज्यादा जरूरत पड़ी वर्कर्स की तो लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स को यहाँ पे एम्प्लॉय किया गया और उन्हीं वर्कर्स ने एक बड़ा डाइवर्स बेस बनाया जिसमें आपके कैजुअल लेबर्स भी आते थे जो कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते थे आपके इंडस्ट्रियल वर्कर्स जो इंडस्ट्री में काम करते थे फैक्ट्रीज में एंड आपके जो डोमेस्टिक हेल्प एंड वेज लेबर्स थे ठीक है तो ये सारा जो बेस थी ये आपकी एक्सपैंड होने लगी फाइन अब इंडस्ट्रियल क्लास स्ट्रक्चर देखते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन होता क्या है बेसिकली आपका मैकेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन पहले जो काम जैसे वहां पे वो चलाते थे हल चलाते थे वो हल को आपने वो एक बुल होता था उसके पीछे काट होता था वैसे करके हल चलाते थे तो पहले आप उसको किसने रिप्लेस किया आपके ट्रैक्टर्स आ गए आपकी मशीनरी आ गई तो उसको बेसिकली हम बोलते हैं मैकेनाइजेशनल प्रोडक्शन मैकेनाइजेशनल प्रोडक्शन ठीक है अब जो इंडियस इंडस्ट्रियल क्लास है ये वो सोशल स्टेटम है जो आया डिवीजन ऑफ लेबर इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी से अब आपकी इंडस्ट्रियल सोसाइटी बन रही थी ठीक है क्योंकि आपके यहाँ पे क्या आ रहा था इंडस्ट्रियलिज्म जो आ गया था इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही थी ठीक है आपके जो कैपिटल है वो जनरेट हो रहा था सरप्लस काफी ज्यादा हो रही थी फैक्ट्रीज में प्रोडक्शन हो रही थी ये सारा काम हो रहा था तो अकॉर्डिंगली हमारे पास जो ग्रोइंग डिमांड्स थी उनको मीट करने के लिए हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस आना शुरू हो गई तो ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल क्लास जो है इसको आप लिंक करते हो कॉलोनलिज्म से एंड इंडस्ट्रियल से इन in इंडिया क्योंकि बेसिकली इंडस्ट्रीज वगैरह यहाँ पे सेटअप होना ये मतलब एक बड़े स्केल पे ये मेनली कब हुआ था यहाँ पे कॉलोनी बनने के बाद जब ब्रिटिश की कॉलोनी बनी थी इंडिया उसके बाद क्योंकि जो ब्रिटिश रूल है उससे पहले क्या था हमारे पास सरप्लस काफी कम था सरप्लस होता है आपका प्रॉफिट एक हो गया कि जब आप हैंड टू माउथ रहते हो हैंड टू माउथ मीन जो आपने कमाया वही आपने खर्चा ठीक है उसके बाद तो इसमें आपका कोई प्रॉफिट नहीं होता है फिर जब आप कोई भी काम करते हो जब उस काम की थोड़ा प्रोडक्टिविटी बढ़ती है आप एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करते हो एंड वो आपका सरप्लस बनता है तो ब्रिटिशर्स के आने से पहले सरप्लस कम था जब पैसे कम होंगे तो सारे एक नॉर्मल सब्सिस्टेंस लेवल की लाइफ जी रहे होंगे कि जो कमा रहे हैं वो खर्चा रहे हैं तो ऐसे सोशल स्ट्रक्चर में आपकी क्लासेस जो थी वो ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट थी क्योंकि जब सरप्लस ज्यादा जनरेट होगा तो ही तो किसी के पास कम होगा किसी के पास ज्यादा होगा आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी अकॉर्डिंगली आपके काम बढ़ेंगे क्लासेस बढ़ेंगी ठीक है तो वो सब कब हुआ ब्रिटिशर्स के आने के बाद पहले आप पूरी सोसाइटी को एक सोसाइटी ही कंसिडर करते थे ठीक है? तो जो इंडस्ट्रियल क्लास स्ट्रक्चर है उसका एक डिफरेंट हिस्टोरिकल कॉन्टेक्सट है उसके वेस्टर्न काउंटर पार्ट से हमारा जो क्लास स्ट्रक्चर ये था जो डेवलप हुआ था वो आपके वेस्टर्न जैसा नहीं था जो वेस्टर्न था वेस्टर्न कंट्रीज उन जैसा नहीं था वो उनके अलग था वो कैसे था वो हम आगे देखेंगे विद इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है एनहेंस द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल क्लास वॉज वॉलेंटरी वहाँ पे इतनी ज्यादा इंप्रूवमेंट हो रही थी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही थी तो वहां पर वो वॉलेंटरी था लेकिन इंडिया में क्या हुआ था यहाँ पे ये यह डेवलप हुई थी सबसे पहले जो इंडस्ट्रियल क्लास यहाँ पे उसकी जगह प्रॉफिट की वजह से इंडस्ट्रियल क्लास डेवलप हो जैसे वेस्ट वेस्ट में हुआ था यहाँ उसकी जगह एक मर्चेंट क्लास डेवलप हुई थी एज अ रिजल्ट ऑफ कॉलोनियल मर्केंटलिज्म ये मैं आपको बताऊंगी क्या होता है लेकिन उससे पहले ये देखो एआर देसाई ने क्या कर, और बिल्कुल सही बात करी थी ब्रिटिशर्स ने यहाँ क्या किया इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए वहां चल रहा था अच्छे से काम हो रहा था तो यहाँ पे उन्होंने नेचुरल रिसोर्सेस जो है रॉ मटेरियल्स है वो यहाँ से ले जाते थे वो यहां से लेते थे वहां उनकी प्रोडक्शन होती थी मैन्युफैक्चरिंग होती थी तो जॉब्स कहाँ पे क्रिएट होंगी जहाँ पे काम होगा ठीक है इकोनॉमी कहाँ बढ़ेगी जहां काम होगा वो कहाँ होता था ब्रिटिश में फिर वो क्या करते थे वापस वो तो जो फाइनल गुड है उनका वो इंडिया में लेके आते थे और यहाँ हाई रेट्स पे उसको बेचते थे तो प्रॉफिट कौन ले जाता था सारा ब्रिटिश तो ये था यहाँ का ये थी वो चीज ब्रिटिशर्स की जिसने यहाँ का जो डोमेस्टिक ये है फैब्रिक ट्रेडिशनल इकोनॉमिक फैब्रिक जो है यहाँ का वो कंप्लीटली खत्म किया था और जो इंडिजिनस है जो इंडियन एंटरप्राइजर्स है इंडियन मैन्युफैक्चरर्स है वो ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाए थे तो इसीलिए अगर वो सारी चीजें यहाँ पे होती तो यहाँ पे भी एक इंडस्ट्रियल क्लास डेवलप होती पर यहाँ तो वो काम ही नहीं हो रहा था यहाँ पे तो सिर्फ एक मार्केट बन गया था जिसमें गुड्स को खरीदा और बेचा जा रहा था ठीक है तो वो मर्चेंट क्लास इसीलिए क्या कहा जाता है कि यहाँ पे इंस्टेड ऑफ इंडस्ट्रियल क्लास एक मर्चेंट क्लास डेवलप हुई जो किसकी वजह से थी एज ए रिजल्ट ऑफ कॉलोनियल मर्केंटलिज्म कॉलोनियल मर्केंटलिज्म क्या होता है बेसिकली वही पॉलिसी है कौन, इसकी आ, जो कॉलोनियल ये थे पावर्स थे कि जो भी उनकी कॉलोनी है उससे उनको जितना प्रॉफिट हो सके वो उतना प्रॉफिट लो ठीक है उस प्रॉफिट के लिए अगर उनको उनका मार्केट डिस्ट्रॉय करना पड़े कॉलोनीस का तो कोई बात नहीं है उनका प्रॉफिट वहां से जनरेट करो एंड वो प्रॉफिट आप ले जाओ यूरोप में यही थी कॉलोनियल मार्केट वाली पॉलिसी जो उन्होंने इंडिया में भी फॉलो की और यहाँ पे इंडस्ट्रियल क्लास की जगह एक मर्चेंट क्लास डेवलप हुई क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आप गुड्स बेच रहे हो ठीक है रॉ मटेरियल्स खरीद रहे हो फाइनल गुड्स आके यहाँ पे बेच रहे हो मैन्युफैक्चरिंग आप यहाँ पे नहीं कर रहे हो इस वजह से हमारी इकोनमी को काफी नुकसान हुआ अगर आप इंडिया के कॉन्टेक्स में देखोगे जैसे हमारे यहाँ पे क्या होता है प्राइमरी सेक्टर है सेकेंडरी सेक्टर है एंड आपका टर्सरी सेक्टर है ठीक है प्राइमरी इज योर एग्रीकल्चर टर्स सेकेंडरी इज योर मैन्युफेक्चर सर्विस सेक्टर तो इंडिया में क्या यूजुअली जो ग्रोथ है ये बैलेंस होनी चाहिए जितना आपका एग्रीकल्चर uh, बढ़ेगा अकॉर्डिंगली आपका मैन्युफैक्चर सेक्टर uh, भी उतना बढ़ना चाहिए एंड आपका सर्विस सेक्टर भी उतना बढ़ना चाहिए इंडिया में मैन्युफैक्चर सेक्टर जो है वैसे ग्रो नहीं किया क्योंकि मैनुफेक्चरिंग यहाँ नहीं होती थी हम एग्रीकल्चर से डायरेक्टली सर्विस सेक्टर पर आ गए और मैन्युफेक्चरिंग में हम काफी पीछे रह गए ये भी एक वजह है बैलेंस ग्रोथ नहीं हुई यहाँ पर हमारी जो इकोनॉमी है वो काफी पीछे रह गई ठीक है अब आगे देखते हैं जो इंडस्ट्रियल क्लास है इज नॉट अ सिंगल ऑल इन मेटा सोशल स्टैटम ठीक है एक ही क्लास इसमें नहीं है आपको इंडस्ट्रियल क्लास में भी वेरी सब क्लासेस देखने को मिलेंगी मैक्स वेबर ने कहा कि वेरियस क्लासेस प्रेजेंट है विद इन इंडस्ट्रियल क्लास जो उन्होंने कितनी दी थी एट क्लासेस दी थी कैपिटलिस्ट क्लास टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव स्किल्ड वर्कर्स एडमिनिस्ट्रेटिव हेड्स जूनियर मैनेजर्स सुपरवाइजरी स्टाफ सेमी स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर्स ठीक है ये आपको किसने कहा था वेबर ने और एक नाम के डंकन एंड ब्लाव डंकन एंड ब्लाव ने क्या कहा था कि ऑन द बेस ऑफ क्लास फॉर्मेशन मॉडर्न सोसाइटी विच हैज हेटिजिनियस ऑक्यूपेशन इज एसेंशियली इनकम एंड स्टेटस तो क्यों क्या बेसिस हैं क्लासेस बनने के यूजअली uh, आपके मॉडर्न सोसाइटी में आपका इनकम कितना है एंड आपका स्टेटस क्या है ठीक है तो इसमें आप दो नाम पहले हमें सामने आए मैक्स के डंकन ब्लॉक दो फैक्ट्रीज जो थी वो पहले भी एग्जिस्ट करती थी दे अज्यूम द शेप ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज एज अन एनिमेटेड फॉर्म ऑफ पावर बिगेन टू बी यूज फैक्ट्रीज पहले भी काम करती थी थोड़ा रिड्यूमेंट्री फॉर्म में अर्लियर फॉर्म में लेकिन बेसिकली उनका काम करना कब दिखाएन कब काफी सामने आया जब आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन यहाँ पे स्टार्ट हो गई और मैकेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन होने लगी ठीक है इनिशियली कौन सी इंडस्ट्रीज थी इंडिया की आयर्न जूड एंड कॉटन इंडस्ट्रीज जो पेजेंट्स थे इम्पोवरिस्ट पेजेंट्स आपके पेजेंट्स जो थे वो देवर ऑपरेस्ट बाय लैंड वो हमें पता है कि उनकी कितनी हालत बुरी थी तो इस वजह से वो इंडस्ट्रीज की तरफ जाने लगे वहां काम करने लगे और हमारे सामने एक क्लास आ गई जिसको हम बोलते हैं वर्किंग क्लास ठीक है पहले मैं देख लू स्क्रीन आपको विजिबल है पूरा हाँ वर्किंग क्लास तो आप बोल सकते हो वर्किंग क्लास जो था आउटकम किसका था फैक्ट्री सिस्टम का था वर्किंग क्लास जो थी ऑफन लोकलाइज थी कंसनट्रेटेड होती थी अराउंड द पोर्ट्स ऑफ अर्ली डेज क्योंकि ऑब्वियसली जहाँ पे फैक्ट्रीज आएंगी जहाँ पे फैक्ट्रीज आप सेटअप करोगे तो वहीं पे आपकी दूसरी जो काम करने वाली क्लास है वो वहीं आके रहना शुरू हो जाएगी जैसे इंडिया में स्लम्स यूजली कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं उन एरियाज में जहाँ से नजदीक हो जाएगा वर्कर्स को जाना इंडस्ट्रियल सेटअप में जहाँ इंडस्ट्रीज में वो काम करेंगे तो जहाँ पे भी कोई इंडस्ट्रीज प्लांट होती है इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश होती है सेटअप होती है उसी के अराउंड लोग रहना शुरू करते हैं और उसी के अराउंड वर्कर्स भी रहना शुरू करते हैं और वो यूजली पोर्ट्स में पोर्ट्स के अराउंड होता था पोर्ट्स के अराउंड ही क्यों इंडस्ट्रीज बनती थी क्योंकि वहां से उनको सी के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स वगैरह ईजी हो जाती थी ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल जो वर्किंग क्लास है इट वॉज ऑफन एक्सप्लॉयटेड ड्यू टू लैक ऑफ लेबर रेजिस्लेश अब ठीक है वर्किंग क्लास डेवलप हो गई लेकिन क्या उनको वही बेनिफिट्स मिलते थे जो ब्रिटिश British, ब्रिटिशर्स को मिलते थे जो ब्रिटिश वर्किंग क्लास के थे नहीं यहाँ पे लेबर रेजिस्लेश वैसी नहीं थी रिफॉर्म्स में भी ज्यादा कुछ खास उनका नहीं चल रहा था ठीक है तो इस वजह से उनकी हालत जो थी उनको लगा था वर्कर बनने के बाद वो जो पोअर प्रेजेंट्स है उनकी लाइफ थोड़ी इंप्रूव हो जाएगी पर वैसा कुछ खास देखने को नहीं मिला सोशल स्ट्रक्चर ऑफ द वर्किंग क्लास जो था इट मेनली कंपोज ऑफ अनस्किल्ड पुअर वर्कर्स ठीक है मोस्टली फ्रॉम द लोअर कास्ट विद पुअर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन ये था वर्किंग क्लास का सोशल स्ट्रक्चर क्या वर्किंग क्लास में आते थे आपके जो अनस्किल्ड पुअर वर्कर्स थे क्योंकि वो पेजेंट्स ही थे यूजअली मोस्टली तो उनके पास कोई ऐसा स्किल नहीं होता था और एक्सप्लॉयटेड थे तो ज्यादा किसकी एक्सप्लॉयटेशन होती थी जो लोअर कास्ट को बिलोंग करते थे वही आपके गरीब लोग भी थे प्री ब्रिटिश में भी फाइन और बाद में इंडिपेंडेंस के बाद भी भी एंड की रिप्रेजेंटेशन काफी कम थी अब वर्किंग साथ -साथ तो इसमें आप रिलेट कर सकते हो मार्क्स वाला आपका हो है एक कैपिटलिस्ट बर्जो एंड आपके प्रोलेटेरियन दैट इज योर वर्किंग क्लास तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपकी जो हाईली उस टाइम पे रिच लोग थे ठीक है कौन हो गया आपके पारसीज मरवारीज खुजास बाटियाज गुजराती ट्रेडर्स ये बेनिफिटेड फ्रॉम दियर कोलाबोरेशन विद द यूरोपियन कंपनीज के साथ कोलाबोरेट करते थे उनको ये रॉ मटेरियल बेचते थे पंप करते थे अपने रिसोर्सेज इनटू द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो कहाँ पे ज्यादा काम जिसका हो रहा था ब्रिटिश में ठीक है तो ये अर्ली क्लासेस थी जिनको सबसे ज्यादा फायदा हुआ था यहाँ पे यूरोपियन बिजनेस सेटअप होने का जो इंडियन कैपिटलिस्ट क्लास है ग्रेजुअली ग्रू आहिस्ता आहिस्ता यही आपकी जो मर्चेंट क्लास है मर्चेंट ट्रेडर्स है ये बड़े बड़े बन के आपके आज के जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो बन गए ये ये कब होने लगा बाय नाइनटीन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडस्ट्रियल क्लास स्ट्रक्चर जो है इट वाज़ इनिशियली गवर्न बाय स्टेट ड्रिवन सोशलिस्ट इकोनॉमिक पॉलिसीज अब हमें पता है पहले हमारे यहाँ पे क्या था जैसे हमने अभी इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1991 मैंने आपको बोला उसके बाद जो थोड़ा लाइसेंसिंग की रेस्ट्रिक्शन है वो कम होना शुरू हो गई उससे पहले हम बोलते थे यहाँ पे अः uh, उस लाइसेंसिंग पीरियड को ब्रिटिश राज बोलते थे कि यहाँ पे क्या होता था आपको बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शन पोस्ट की जाती थी आपके बिजनेस में आप सही से कर नहीं पाते थे ठीक है मोस्टली सारा क्या था आपका स्टेट कंट्री जो था स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल था ठीक तो किसी भी बिजनेस को थ्राइव होने के लिए उसको आपको क्या करना देना होगा उसको आपको अपनी अच्छी स्पीड पे ग्रो करने देना होगा देखो अगर आपके दिमाग में कभी डाउट आया होगा कि यहाँ पे कौन कौन आए थे यूरोपियंस यहाँ पे पोर्टुगीज आए थे यहाँ पे डच आए थे ब्रिटिश थे, फ्रेंच आए थे ब्रिटिशर्स आए थे ठीक है ये इतने सक्सेसफुल क्यों नहीं रहे जितने ब्रिटिशर्स रहे क्योंकि ब्रिटिशर्स यहाँ पे कौन आए थे ब्रिटिशर्स यहाँ पे गवर्नमेंट नहीं आई थी पहले यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट कंपनी आई थी और उस प्राइवेट कंपनी को पहले बहुत कम रेगुलेशन किया जाता था रेस्ट्रिक्शन पोज की जाती थी गवर्नमेंट के थ्रू उनको आजादी दी गई थी कि वो आराम से यहाँ पे काम कर पाए फिर क्या हुआ था उनने प्रॉफिट इतने ज्यादा ले लिए थे इतने प्रॉफिट ले लिए थे कि जो वहां के थे जो लंडन के वेल्थी बिजनेसमैन थे जो इंडिया नहीं आए थे उनके अंदर गुस्सा आने लगा मतलब वो थोड़ा जेहस फील करने लगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो भी यहाँ आता है से अमीर बन के जाते हैं तो जब ये सारी चीजें हुई तो वहां पे ये उठा कि नहीं रेगुलेशन करना जरूरी है बोलते हैं, का, और उसके बाद जो है वो क्राउन रूल बन गया ठीक है तो वो बाद की स्टेजेस में हुआ लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी को यहां काफी थ्राइव होने दिया यही रीजन है कि बाकी यूरोपियन पावर्स इतने सक्सेसफुल नहीं रहे यहां पे जितना आपका ब्रिटिश रहा था इंग्लैंड रहा था ठीक है तो कहने का क्या मतलब था कि डेवलपमेंट कैसे होती है प्राइवेट बहुत जब गवर्नमेंट अपना मिनिमल कंट्रोल रखेगा आपकी पॉलिसीज पे इसको क्या बोला जाता है लेजीज फेयर अब इंडिया में क्या था आपका पहले कांग्रेस गवर्नमेंट थी इंदिरा गांधी जवाहरलाल नेहरू वो किस कॉन्सेप्ट आइडियोलॉजी को बिलोंग करते थे उनकी सोशलिस्टिक टेंडेंसीज थी वो चाहते थे कि सोशलिस्ट जो है गवर्नमेंट कंट्रोल जो है गवर्नमेंट ओन्ड वही ज्यादा आपका बिजनेस वैसे ही रन हो एंड नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक वगैरह भी करी थी अगर आपको याद होगा ठीक है तो ये इकोनॉमी का पार्ट है ये आप सारा पढ़ लोगे खुद ही यहाँ पे बस थोड़ा बहुत कनेक्ट करने के लिए बोला था और हमें पता है में में इंडिया में एक बहुत बड़ा मेजर इवेंट हुआ था क्या हुआ था था एलपीजी मॉडल आया लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन इसमें क्या किया था इंडियन इकॉनमी को ओपन कर दिया गया था प्राइवेटाइजेशन हमने बहुत बड़े स्केल पे लाई थी लेकिन इमीडिएट हमने पोस्ट इंडिपेंडेंस टाइम देखा उसमें कौन सी थी स्टेट ड्रिवन सोशलिस्ट इकोनॉमिक पॉलिसीज जो थी वो ज्यादा होती थी तो और उन्हीं का ही यहाँ पे क्या था वही टेंडेंसी थी हमारी सोशलिस्ट टेंडेंसी ही बट नाम देखो यहाँ पे शरद बोमिक डिफर्स एंड होल्ड द राइज ऑफ पब्लिक सेक्टर गिव बर्थ टू तो मल्टीपल क्लास उन्होंने कहा ऑल दो स्टेट कंट्रोल था कैपिटलिज्म उतना प्राइवेट प्रॉपर्टी या प्राइवेटाइजेशन उतनी नहीं हुई लेकिन जो पब्लिक सेक्टर के पास था उससे भी आपकी मल्टीपल क्लासेस आ गई चलो बिजनेस में क्लास नहीं आई इंडस्ट्रियल क्लासेस नहीं आई होंगी लेकिन आपकी गवर्नमेंट क्लासेज आ गई आपके गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ये वाला जो आपका सेक्टर है ये काफी स्वेल हो गया ये बढ़िया ठीक है तो क्लासेस तो आ रही है ना चाहे वो बिजनेस ना आए लेकिन आपकी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज वाली आई एंड नॉट ऑफ द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉय इन स्ट्रिक्ट कैपिटलिस्टिक सेंस फॉर द टॉप ऑफ द हायरिकी में थे ऑफ दी स्टेट रन एंटरप्राइजेस जो थी जो आपकी स्टेट चलाती थी एंटरप्राइजेस इसमें कौन थे टॉप पे जो आपके एडमिनिस्ट्रेटर्स थे जिनको कौन आपके पॉलिटिशियंस जो है अपॉइंट करते थे एंड एलिट कैपिटलिस्ट नहीं थे जैसा कि हम आज देखते हैं at the same time due to emergence of organized sector these public undertakings and other industries a distinction between organized and unorganized sector also emerged representing a structural divide between the two theek hai to in sabse kya hua aapka isi time pe aapka ऑर्गेनाइज and अनऑर्गेनाइज sector भी सामने आया आपका ऑर्गेनाइज sector होता है जो किसी एक legal contract या काम formal written rules and regulations के तहत काम करेगा एक आपका अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है जो पार्ट होता है आपके इनफॉर्मल इकोनॉमी का भी इसको बोलते हैं जैसे आपके डोमेस्टिक हेल्पर्स वगैरह वो सारी चीजें ठीक है या आपके घर जो काम करने आते हैं आपके कारपेंट्री का काम चल रहा है प्लम्बिंग का काम चल रहा है कोई भी आके आपका वो काम ठीक करे तो उसको बाद में उसकी जो इनकम है वो टैक्सेबल नहीं है और इंडिया में मेजोरिटी नाइनटी नाइन परसेंट जो है अभी भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में ही काम करते हैं तो ये सारे जो सेक्टर्स है ये भी उस टाइम पे ही हमें सामने आके मतलब हमने ये सारे सेक्टर्स जो है ये देखे और गवर्नमेंट की पॉलिसी इम्पोर्ट सब्सिट्यूशन की एंड क्वालिटेटिव कंट्रोल की ग्रोथ ऑफ़ कैपिटलिस्टिक क्लास ऑल्सो अब देखो इम्पोर्ट सब्सिट्यूशन क्या होता है इम्पोर्ट क्या होता है बेसिकली आप बाहर से कुछ इम्पोर्ट करके अपनी कंट्री में लाते हो फॉर फॉरन यूएस से आप इम्पोर्ट करके लाओगे इंडिया में कुछ अब अगर आप इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन बोलते हो दैट मीन्स आप इंपोर्ट नहीं करोगे आप डोमेस्टिक ग्रोथ करोगे अगर आप ये पेन जो है ये पेन आप कहाँ से इम्पोर्ट करते हो यूएस से तो अब आप गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसी ला रही है वो जो इम्पोर्ट करोगे आप प्रोडक्ट्स उन पे इतनी टैक्सेस लगाएगी कि वो प्रोडक्ट इतना महंगा हो जाएगा वो बाद में यहां कोई खरीदेगा ही नहीं तो उस प्रोडक्ट को इम्पोर्ट करवाने के लिए क्यों कोई इन्वेस्ट करेगा इतना जो प्रोडक्ट कल को मार्केट में चलने ही नहीं वाला है उस पर टैक्स इतना लगा है वो इतना महंगा हो गया तो गवर्नमेंट ने पॉलिसी दरअसल लाई थी ताकि आपको प्रमोट किया जाए किसको आप डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज जो है उनको बढ़ाओ तो जब वो काम यहाँ पे होने लगा तो कैपिटलिस्टिक क्लास भी हमारी जो है है इट स्टार्टेड इमर्जिंग एंड गेनिंग पेस ठीक ईच ऑफ अब हम अच्छा एज इंडस्ट्रियलाइजेशन गेन पेस तो डिफरेंट्रियल क्लास स्ट्रक्चर ऑल्सो ए कंपनीट वर्किंग क्लास के साथ हमारा जो, जो इनका सोशल स्प्रेड था वो भी डाइवर्सिफाई हो गया वर्किंग क्लास बढ़ने के बाद हमें और ज्यादा प्रॉब्लम्स भी देखने को मिली कास्ट जेंडर एज वगैरह क्योंकि ये जो वर्किंग क्लास है ये अपना बैगेज लेके आ रहे थे अलग अलग कास्ट के थे किस जेंडर के थे किस एज के थे और कितने सेक्शन को कितनी जो है फायदा होगा किस सेक्शन को प्रॉब्लम हो रही है काम करने में कौन सा सेक्शन जो है वो अभी भी काम नहीं कर पा रहा है इस वजह से क्योंकि वो लो कास्ट का है या वो फीमेल है तो ये सारी प्रॉब्लम्स भी उभर के हमें सोसाइटी में सामने आ रही थी ईच ऑफ दिस सेक्शन जो है इम्पोज अ चैलेंज इन दियर मोबिलाइजेशन ठीक है अपनी प्रॉब्लम्स है फीमेल हैं नहीं जा सकती है एज कम है पीछे ए, ये है एलिंग पेरेंट्स रहते हैं गाँव में वो नहीं आ सकते हैं सिटीज़ में ये प्रॉब्लम्स आ गई लो कास्ट के हैं सिटीज में आएंगे तो हमें और ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी ये सारी प्रॉब्लम साथ में आई तो इस वजह से तो ये सारे जो प्रॉब्लम्स चल रही थी सोसाइटी में वो भी हमें सामने आ, हमें मतलब फेस करनी पड़ी पोस्ट लिबरलाइजेशन जब आपको एलपीजी मॉडल लगा था उसके बाद अनदर शिफ्ट हुआ इंडस्ट्रियल क्लास स्ट्रक्चर में जिससे इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ लेबर ऑन वन हैंड हो रही थी एंड स्वेल ऑफ द मिडिल मैनेजमेंट ऑन दी अदर हैंड अब लिबरलाइजेशन हुई तो क्या हो गया प्राइवेटाइजेशन हुई तो प्रोडक्शन ज्यादा होने लगे रेस्ट्रिक्शन कम है प्रोडक्शन ज्यादा हुई दैट मीन्स कंपनी का काम बढ़ गया कंपनी का काम बढ़ गया तो आप लेबर्स को जैसे पहले क्या होता मतलब होना क्या चाहिए यूजुअली सारे एक लीगल फॉर्मल तरीके में आप जॉब देते हो अब प्रोडक्शन इतनी बढ़ गई आपको बहुत ज्यादा एम्प्लॉइज की जरूरत पड़ी तो आप इनफॉर्मली भी काफी लेबर्स को रह, रह अपने इसमें कंपनी में ये दे रहे हो जगह कि वो जॉब कर पाए ठीक है और जब आप इनफॉर्मल लेबर्स रख रहे हो दैट मीन्स उन वो किसी भी गवर्नमेंट के एक्ट के अंडर नहीं आते वो गवर्नमेंट के प्रोटेक्शन के अंडर नहीं आते हैं आप बस उनको काम दे रहे हो उनकी एजुकेशन भी कम है उनके पास स्किल्स भी नहीं है पर आप चाहते हो आपकी जो प्रोडक्शन है फैक्ट्री में वो ज्यादा चले इस वजह से आप उनको वर्क परमिट अलाउ कर रहे हो ये भी साथ में हो गया एंड जो आपकी मिडिल मैनेजमेंट है वो भी बढ़ गई क्योंकि जब कंपनी बहुत ज्यादा काम करती है तो बहुत ज्यादा उसमें डिपार्टमेंट सामने आते हैं एक एक चीज हैंडल करेगा एक एक चीज हैंडल करेगा तो अकॉर्डिंगली जो डिफ्रेंसिएशन है कंपनीज में वो भी बढ़ जाएगी तो इस वजह से क्या हो गया ऑक्यूपेशनल डाइवर्सिफिकेशन हो गई एंड इट लेड टू द क्रिएशन ऑफ मेनी मोर सब क्लासेस इन ए नटल अगर आप देखोगे शॉर्ट में जो कंटेम्प्रेरी इंडियन क्लास स्ट्रक्चर है वो क्या क्या है आपके कैपिटलिस्ट हो गई आपकी जो ओनर क्लास होती है फिर आपकी टॉप मैनेजमेंट क्लास हो गई ठीक है एंड फिर आपके मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्लास हो गई आपके स्किल्ड वर्कर्स हो गए एंड मैनुअल वर्कर्स हो गए अगर एक जनरल फ्रेमवर्क में देखा जाए तो ये आपका क्लास स्ट्रक्चर है उसका इंडस्ट्रियल क्लास का मिडिल मैनेजमेंट है हैज हैज मिडिल मैनेजमेंट पोस्ट लिबरलाइजेशन एंड वर्कर्स हैव आल्सो गेट इन द फॉर्म ऑफ इंप्रूव्ड सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स न्यू लेबर लॉज एक्टेट्रा तो लिबरलाइजेशन के बाद क्या हुआ और मैंने कहा काफ़ी वर्कर्स हमें अपॉइंट करने पड़े वो इनफॉर्मलाइजेशन वाला छोड़ो अब जो फॉर्मल वर्कर्स थे आपके लीगली जब जिनको आप अपॉइंट करते हो उनके लिए काफी ज्यादा स्कीम्स एंड लेबर लॉज वगैरह भी जो आप लेके आई फिर गवर्नमेंट बट दे हैड टू फेस न्यू हार्डशिप्स इन ओवर क्राउडेड एंड एक्सपेंसिव सिटीज तो प्रॉब्लम उनकी थी रही क्योंकि उनको ओवर क्राउडिंग एरियाज में रहना पड़ता था तो क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करते थे सैनिटेशन की प्रॉब्लम्स वहाँ पे थी ठीक है तो ऐसी जगहों पे क्राइम रेट भी ज्यादा होता है स्लम एरियाज में एंड देन आपको वहाँ पे एपिडेमिक्स वगैरह भी काफी फैल रहे थे बीमारियां भी वहाँ फैलने लगी तो ये सारी प्रॉब्लम्स वहाँ पे लोग जो है वर्कर्स जो जहाँ रहते थे वो फेस करने लगे इन सेंसेज ऑफ वर्किंग क्लास मोबिलाइजेशन जो है अभी कम हो गई है ओवर द ईयर आफ्टर अ अंट एंड नाइनटीन सेवेंटीज एंड एटीज

ज्यादा जो है यहाँ पे ग्रो किया है यहाँ पे सर्विस सेक्टर ने तो उसकी वजह से फर्दर और डाइवर्सिफिकेशन हमें देखने को मिली ठीक है अब देखते हैं फाइनल आए के लास्ट टॉपिक है ये मिडिल क्लास इन इंडिया का अब जो मिडिल क्लास है ये इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद ही आया क्योंकि यूजुअली हमारा बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन यहाँ पे क्या था बिफोर ब्रिटिश क्लास से आपके जमींदार से वही क्लासेस थी यहाँ पे लेकिन जो मिडिल क्लास है वो जो करंट सेंस में डेवलप हुई है वो आपकी इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद ही हुई जो यहाँ पे ब्रिटिशर्स के आने के बाद हुआ अगर आप मिडिल क्लास देखो तो इसकी यूनिवर्सल कोई जो है अग्रीड डेफिनेशन नहीं है जनरली इसको रखा जाता है ओनिंग एंड वर्किंग क्लास के बीच में तो यहाँ पे अगर आपकी वर्किंग यहाँ पे अगर आपके हाई कैपिटलिस्ट क्लास है और ये आपकी वर्किंग क्लास है तो कहीं बीच में आपकी मिडिल मिडिल क्लास आती है तो इसमें कहीं ना कहीं अमीरों वाली प्रॉपर्टी भी होगी कैपिटलिस्ट क्लास वाली और कहीं ना कहीं ये वर्किंग क्लास वाली प्रॉपर्टीज भी इनमें होंगी ठीक है तो इसकी काफी थियोरीज है मिडिल क्लास क्यों डेवलप किया गया तो ये भी पॉइंट बोला जाता है कि एक्चुअली जो सरप्लस इतना जनरेट हो रहा था तो जो अपर क्लास थी इसने जानबूझ करके एक मिडिल क्लास बनाई ताकि जो सरप्लस था और वहां से एक तो एक्स्ट्रा सरप्लस आ सके और उनका जो हाई रहना है वो हमेशा के लिए जस्टिफाइड रहे क्योंकि अगर दो ही क्लासेस होंगी वर्किंग एंड कैपिटलिस्टिक और ये अमीर ये गरीब तो सारी नजरें किस पे हमेशा रहेंगी कैपिटलिस्टिक क्लास पे कि इसने क्या गलत किया अगर बीच में और एक क्लास आ जाएगी मिडिल तो कैपिटलिस्टिक क्लास है कहीं ना कहीं रीच से बाहर हो जाएगी ठीक है तो ये भी एक आ, रीजन था जिसकी वजह से अपर क्लास चाहते थे एक मिडिल क्लास जो है वो डेवलप हो जाए तो काफी ज्यादा थियोरीज इसकी थी द स्ट्रक्चरली इट इज प्लेस इन द मिडिल एंड इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बोथ अपर के भी मिलेंगे एंड लोअर के भी मिलेंगे वेबर ने इस बारे में बात की इन्हें कहा मिडिल क्लास फॉर द फर्स्ट टाइम एज अ पॉजिटिव आउटकम ऑफ कैपिटलिज्म ठीक है एंड अ साइन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ पॉवर्टी तो इन्होंने इसको पॉजिटिव वे में बोला किसने वेबर ने फर्दर बेन्डिक्स एंड लिपसेट उन्होंने एट इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटीज को स्टडी किया था ही ऑल्सो ड्रिव सिमिलर कंक्लूजन सिमिलरली गोल्ड थॉर्प एंड लॉकवुड उन्होंने कहा एफ्लुएंट वर्कर्स जो थे जो अच्छे खासे वेल ऑफ वर्कर्स थे ब्रिटिश इंडस्ट्रियल सोसाइटी में उनको इन्होंने कहा था वो मिडिल क्लास थे ठीक है मिडिल क्लास मेक्स अ लिविंग बाय वे ऑफ सेलिंग मेंटल एंड फिजिकल लेबर या तो मेंटल लेबर अपने दिमाग से ठीक है सर्विस सेक्टर में जैसे होते हैं या मेहनत से फिजिकली मेहनत करके मार्केट में वैसे करके वो क्या करते हैं अपनी अर्निंग करते हैं

तो वी मिश्रा ने क्या कहा उन्होंने कहा इमर्जिंग क्लास जो यहाँ पे इमर्ज हुई मिडिल क्लास ये कैपिटलिज्म की वजह से नहीं हुई ये बेसिकली ब्रिटिश रूल की वजह से हुई सम सॉर्ट ऑफ इंडस्ट्रीज जो है एंड ट्रेड वो पहले भी था वो पहले भी था लेकिन पहले मिडिल क्लास क्यों नहीं आई मिडिल क्लास ब्रिटिशर्स के आने के बाद ही क्यों आई दैट मीनस इसका जो रिलेशन है वो ब्रिटिश रूल के साथ है ट्रेडिशनल सोसाइटी में लोग जो थे वो डिवाइडेड थे ऑन द बेस ऑफ कास्ट और न्यू क्लास फॉर्मेशन का स्कोप ऑलरेडी यहाँ पे बहुत कम था क्योंकि ऑलरेडी हम क्लासेस में चार क्लासेस में डिवाइडेड थे उसके बाद आपके आउटकास्ट भी थे फिफ्थ वाले तो जब कास्ट कास्ट से इतना चल रहा था आपके पास जगह कहाँ थी कि क्लास की लाइन्स में भी कुछ डेवलप हो ठीक है तो ये बात बोली जाती है डिफरेंट स्कॉलर जो है उनके डिफरेंट व्यू है अबाउट मिडिल क्लास थियरीज ऑफ सरप्लस व्यू कार्ल मार्क्स ने कहा कि जैसे कैपिटलिज्म डेवलप होता है मिडिल क्लास एक्सपैंड हो जाती है क्योंकि सरप्लस काफी ज्यादा बढ़ता है और एक मिडिल क्लास आ जाती है उस सरप्लस को कंज्यूम करने के लिए क्योंकि जितने लेवल का सरप्लस बढ़ रहा है वर्कर क्लास तक आप वो सरप्लस नहीं आने दोगे ठीक है वो गरीब लोग हैं बेचारे फिर कैपिटलिस्टिक हैं वो अपना सरप्लस सारा जितना उनको लेना है वो ले जाते हैं तो जो बाकी बच जाता है सरप्लस उसके लिए भी एक क्लास की जरूरत है इसीलिए हमारे पास क्या आ गई मिडिल क्लास आ गई ग्रोथ ऑफ मिडिल क्लास जो है इन्होंने कहा था ये प्रोलिटेरियन रेवोल्यूशन जो प्रोडिक्ट किया था कार्ल मार्क्स ने कि बाद में वो जो प्रोलिटेरियंस है वो मिलकर रिवॉल्व करेंगे जो हमने कार्ल मार्क्स में अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन किया था तो उन्होंने कहा था ये हिंड्रेंस पुट करता है प्रोलेटेरियन रेवोल्यूशन के लिए भी ठीक मार्क्स कॉलर डैंड ऑफ जो है ये भी मार्क्स स्कॉलर थे इन्होंने कहा जो मिडिल क्लास ऑक्यूपेशन है ये स्ट्रक्चरली डिफरेंशिएटेड है अर्स्ट वाइज रूलिंग ऑक्यूपेशन से एंड उन्हें भी अपने काफी ज्यादा व्यूज आप सामने रखे थे एक व्यू में उन्हें कहा कि जो मिडिल क्लास है वो एक्सटेंशन है कैपिटलिस्टिक क्लास की कहीं पे उन्होंने बोला सेकंड व्यू में कि जो मिडिल क्लास है वो एक्सटेंशन है वर्किंग क्लास की और थर्ड व्यू पॉइंट में इन्होंने क्या कहा कि मिडिल क्लास एक्चुअली कुछ है ही नहीं दो डिफरेंट ग्रुप्स हैं जिनके ऑपोजिट इंटरेस्ट हैं एक तो ब्यूरोक्रेट्स विद रूलिंग क्लास अथॉरिटी और व्हाइट कॉलर वर्कर्स विद ये प्रोलेटेरियन क्लास सिचुएशन तो ये इनके तीन व्यू पॉइंट है जो किसने दिए थे आपको डर ने तो काफी इंपॉर्टेंट है ये भी आपको याद रखना है लॉकवुड रिजेक्टेड द बाइनरी व्यू ऑफ द स्कॉलर्स जैसे uh, का यूजली बाइनरी ही चलता था हैव्स एंड हैव का उन्होंने इंडियन क्लास स्ट्रक्चर में भी यही बात करी मिडिल क्लास स्ट्रक्चर में भी उन्होंने यही बात करी लेकिन लॉकवुड ने वो रिजेक्ट किया उन्होंने कहा अभी रिसेंटली हम देखते हैं काफी ज्यादा जो मिडिल क्लास है वो इंक्रीज हो गई हैं और उनके बीच में काफी डाइवर्सिटी आपको मिलेगी सिर्फ दो ही क्लासेस देखने को नहीं मिलती हैं फंक्शनलिस्ट ने कहा जो मिडिल uh, क्लास है वो बेसिकली किस वजह से आते हैं क्योंकि डिफरेंट ऑक्यूपेशन रिवॉर्ड मिलते हैं आपको एंड अकॉर्डिंगली आपके पास डिफरेंट क्लासेस आ जाती हैं जो वो रिवॉर्ड्स ले सकें जो जितना टैलेंटेड है उसके लिए उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट पोजिशन जो है सोसाइटी में क्रिएट हो जाती है एंथनी गिडन्स ने आपको एक जनरल ये दिया था थ्री फोल्ड क्लासिफिकेशन एक एडवांस कैपिटलिस्टिक सोसाइटी की उन्हें कहा था एक अपर क्लास होती है जो ओन करती है प्रॉपर्टी इन टर्म्स ऑफ मीन ऑफ प्रोडक्शन मिडिल क्लास जो होती है वो आपके एजुकेशन एंड टेक्निकल क्वालिफिकेशन वाले लोग हो गए और एक लोअर वर्किंग क्लास होती है बेस्ड ऑन दी पोजिशन ऑफ मैनुअल लेबर्स तो जहां पे अगर आपको मिडिल क्लास स्ट्रक्चर या क्लास स्ट्रक्चर कैपिटलिस्ट सोसाइटी का पूछा जाए तो उसमें एंथनी गिडन्स का थ्री फोल्ड क्लास क्लासिफिकेशन जो है आराम से लिख सकते हो इंडिया में जो इमर्जिंग मिडिल क्लास है कैन बी ट्रेस टू द ब्रिटिश रूल विच रिजल्टेड इन द of क्लास ऑफ intermediaries ठीक है जो सर्व करते थे एज अ लिंक बिटवीन पीपल एंड द न्यू रूलर्स तो लोगों के बीच में कॉमन मास्टर रूलर्स के बीच में एक बीच वाली क्लास भी आना जरूरी था जो उनके बीच में लिंक एक क्रिएट करते क्योंकि ऑब्वियसली लैंग्वेज बैरियर था कल्चर बैरियर था और बाकी सारी चीजें भी थी वो डायरेक्टली जो है मास्टर्स uh, के साथ कॉन्टैक्ट नहीं करते थे तो उनको एक इंटरमीडियटी की भी जरूरत थी तो अकॉर्डिंगली आपके ट्रेडर्स एंड ट्रांसलेटर्स वगैरह ये क्लासेस भी आना शुरू हो गई अब जो यूरोपियन मिडिल क्लास है वो इंडिपेंडेंट थी एंड जो इंडियन मिडिल क्लास थी वो अंडर फॉरेन रूल थी ये पॉइंट याद रखना जब हम यूरोप में मिडिल क्लास की बात करते हैं तो वो यूजुअली मिडिल क्लास वहां पे किसे रिलेट होता है अमीर तबके तो से लेकिन जब इंडिया में मिडिल क्लास की बात होती है इंडिया में हम मिडिल क्लास किससे रिलेट करते हैं आपके मतलब अमीर नहीं आप उसमें भी डिविजन्स आपको मिलेंगे हाई मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास तो मिडिल क्लास में आप किसके साथ यूजुअली रिलेट करते हो इसको जो बिल्कुल एक स्टैटिक लाइफ जी रहे होते हैं ऐसा कुछ खास अमीर नहीं होते इनकम ठीक ठाक होती है उनकी लाइफ ठीक से जा रही होती है लेकिन जो यूरोप की मिडिल क्लास है वो उनकी काफी एफ्लुएंट मिडिल क्लास होती है वो काफी एफ्लुएंट सेक्शन है वहां उनकी सोसाइटी का ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड जो मिडिल क्लास थी यहाँ पे इंडिया में वो मेनली यहाँ पे मेनली लिखा हुआ है ठीक है करेक्ट कर लेना वो मेनली अर्बन ओरिएंटेड और जो अर्ली मेंबर्स थे मिडिल क्लास के वो बिलोंग टू कास्ट विच वॉर ट्रेडिशनली इन एजुकेशनली फॉरवर्ड तो कहीं कही ना कहीं आपका क्लास एंड कास्ट यहाँ पे भी साथ चला था पहले ठीक है जो हाई क्लास हाई कास्ट के लोग थे वही वो, वो थे जो एजुकेशनली फॉर्वर्ड थे क्योंकि देवर द फर्स्ट वन आर इंट्रोड्यूस टू न्यू फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन तो वही आपकी उन्होंने मिडिल क्लास फॉर्म की थी मेनी ऑफ देम वे सोशल रिफॉर्म जैसे आपके राजा राम मोहन रॉय उसी क्लास के जो लोग थे वही आपके सोशल रिफॉर्मर्स बने थे और उनका एक लिबरल एंड सेक्युलर आउटलुक भी था एक्सपेंशन ऑफ मिडिल क्लास जो थी पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में वो किसकी वजह से हुई क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ ऑक्यूपेशन आया जैसे हमने अभी तक देखा इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन जो मैंने आपको एलपीजी मॉडल में कहा और काफी ज्यादा एजुकेशन रिफॉर्म्स भी लाए एक्सपेंशन हुआ एजुकेशन का एंड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज का ठीक है इंडिपेंडेंस के बाद जो मिडिल क्लास इन इंडिया है वो कंप्लीटली अर्बन सेंट्रिक नहीं रहा ये फिनोमिना है रूरल एरियाज का भी बन गया क्योंकि एक्सपेंशन हो गई एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी की मार्केट इकोनमी ग्रीन रेवोल्यूशन फार्म मेकनाइजेशन ट्रांसपोर्ट कोऑपरेटिव मूवमेंट एक्सेट्रा इन सब चीज़ों से क्या हो गया जो आपके रूरल एरिया के लोग हैं उनकी भी अपलिफ्टमेंट होना शुरू हो गई तो वहां पे भी सिर्फ लोग एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज के साथ इन्वॉल्व नहीं रहे वहां पे भी ऑक्यूपेशन काफी ज्यादा डाइवर्सिफाई हो गई और जो मिडिल क्लास है वहां पे भी आपको सामने वहां पे भी आपको देखने को मिली सम थिंगज लाइक योगेंद्र सिंह असर बोथ आर सिमिलर एट वन आइडियोलॉजिकल लेवल एंड कहीं पे वो आपको डिफरेंट भी मिलेंगे क्योंकि उनके डिफरेंट इंटरेस्ट है किसके जो आपके अर्बन मिडिल क्लास है एंड रूरल मिडिल क्लास है फॉर एग्जाम्पल जो रूरल मिडिल क्लास है उसके इंटरेस्ट किसमें मेनली है अभी भी मेनली थे एग्रीकल्चर में जो डिक्लाइन हो गया आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन क्योंकि कुछ फार्मर्स की डाउनवर्ड मोबिलिटी हुई उसके बाद एंड कुछ जो थोड़े वेल ऑफ फार्मर्स थे वो काफ़ी ज्यादा बेनिफिट ले पाए ग्रीन रेवोल्यूशन का एंड काफ़ी वो हाई क्लास बन गए तो वो उनका इंटरेस्ट था एंड अर्बन मिडिल क्लास यूजली जो है उनका इंटरेस्ट किन चीज़ों में होता है आपके जैसे uh, uh, किन कामों में होता है हाई इनकम वाले काम में हाई स्टेटस वाले कामों में ठीक है उनको चाहिए वो जॉब हाई पेड जॉब चाहिए वो स्किल्स पे ज्यादा ध्यान देंगे जो तो उनको कल को आईटी सेक्टर में काम आए तो उनके टेक्निकल स्किल्स इंप्रूव होने चाहिए तो वो सारी चीजें जो है वो अर्बन मिडिल क्लास को अपील करती हैं एंड मेनी फार्मर्स जो है उन्हें डाउनवर्ड मोबिलिटी देखी वाइल जो अर्बन मिडिल क्लास है करंटली हमारी ग्रो कर रही है वही जो अर्बन मिडिल क्लास है मार्केट बाउंड है रूरल मिडिल क्लास जो है पावर बाउंड है ये आनंद कुमार ने कहा था काफी इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है आपका क्लास है इज नो लॉन्गर एन अर्बन फिनोमिना ठीक है ट्वेंटी ट्वेंटी टू में करंट एस्टिमेट जो है ऑफ मिडिल क्लास इन इंडिया वेरी ड्यू टू नो सिंगल फिक्सड क्लासिफिकेटरी मैकेजम इवन एज ऑफ नाउ क्लासिफिकेशन का कोई एक सिंगल मैकेजम नहीं है जैसे मैंने अभी कहा यूजली इसको कंजम्पन पे भी आप कर सकते हो या इनकम पे भी कर सकते हो वो बस हमने बाय कन्वेंशन किया हुआ है अदरवाइज ऐसा कोई स्पेसिफिक क्लासीफिकेटरी मेकेानिजम नहीं है जिसमें आप क्लासीफाई कर सको कि अगर फॉलोइंग चीजें होंगी तो आप मिडिल क्लास में फॉल करोगे एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंग जो मिडिल क्लास इन इंडिया में है इट रिमेन्स सिग्निफिकेंटली स्मॉल बिफोर लिबरालाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी लेकिन ग्रो किया ऑलमोस्ट ट्वेंटी टाइम सिंस नाइनटीन नाइनटी वन जब आपका एलपी जी मॉडल आया था तो यहाँ पे कोई डेटा है या आप याद रख सकते हो एंड चेक कर सकते हो द एवर बर्जनिंग मिडिल क्लास जो अभी इंक्रीज हो रही है डिक्रीज इन पॉवर्टी एंड क्योंकि जो जो मिडिल क्लास 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 है 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 आपके लोअर उससे उनकी हालत बेहतर है तो ये ये क्लास का इमर्ज होना ये भी बताता है कि कोई एक परसेंटेज uh, है पॉपुलेशन का जिनके जो लाइफ है वो इम्प्रूव हो रही है ठीक अन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी इंडियन मिडिल क्लास इज इट्स दो इट इज ऑल्सो कैरेड और डेफोर्ड ग्रेटिफिकेशन एक्ट ऑफ कंजन आर टेकन एज क्रिटिकल इंडिकेटर्स स्टेटस बाई दिस इमरजिंग मिडिल क्लास इन द पोस्ट लिबरलाइजेशन एरा अब देखो इसमें क्या होता है कंज्यूमरिज्म या कंजम्पन जो हम कंज्यूम करते हैं ठीक है उससे भी आइडेंटिफाई किया जाता है मिडिल क्लास को कि हमारे पास कौन सी कार है कंज्यूमिंग खाना ही नहीं जो हमारे पास हमारे पोजिशन है हमारे पास कार हमारा घर कितना बड़ा होगा ठीक है हमारे पास कौन सा टू व्हीलर होगा कौन से ब्रांड की बाइक होगी हमारे जो कपड़े हैं वो ब्रांडेड होंगे कि नहीं इस चीज के साथ भी आइडेंटिफाई करता है ट्वेंटी फर्स्ट इंच में हम करते हैं मिडिल क्लास को या डिलेड ग्राटिफिकेशन की अभी हम वो चीज एफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं

बेसिकली इनको कौन इंसाफ दिलाएगा क्योंकि यूजुअली ये आपकी वो क्लास एक कैटेगरी थी जो एजुकेटेड नहीं थे ज़्यादा ठीक है अमीर भी नहीं थे उनके पास रिसोर्सेज भी नहीं थे तो आहिस्ता आहिस्ता एक क्लास बन गई मिडिल क्लास अब वो रूरल अर्बन वाला भूल जाओ बस एक मिडिल क्लास बन गई जिसमें एजुकेशन भी थी लोगों के पास क्वालिफिकेशन स्किल्स वगैरह सब कुछ थे तो इन्होंने गवर्नमेंट के रिसोर्सेज यूज़ किए मैकेनिज्म यूज़ किए और जो पोअर है जो गरीब तबका था सोसाइटी का उसके लिए एक आवाज़ भी ये बने टुडे इट इज सक्सेसफुल एक्टिंग एज अ वॉश डॉग ऑफ फंक्शन ऑफ डेमोक्रेसी तो मिडिल क्लास लोग ही ये हैं जो ये देखते हैं हमारा फंडामेंटल राइट कहीं ब्रेक तो नहीं हो रहा हमारे साथ गलत तो नहीं हो रहा जो सारे हमें बेनिफिट्स गवर्नमेंट ने दिए हैं वो हमें मिल रहे हैं कि नहीं ठीक है ना वही तबका देखेगा जो बेचारा कोई सबसे लोएस्ट क्लास वाला होगा गरीब अपने हैंड टू माउथ अपनी जिंदगी जी रहा है उसके लिए वही दो रोटी सब कुछ है वो कहाँ इन चक्रों में पड़ेगा और उसको कहाँ पता है डेमोक्रेसी में उसको क्या क्या बेनिफिट्स मिले हैं तो वो जो अवेयरनेस है वो कहाँ से आ रही है आपकी मिडिल क्लास से आ रही है According to Amartya Sen, in his argumentative, Indians जो मिडिल क्लास हैं स्क्रूटिनाइज़ इस पब्लिक पॉलिसी वगैरह डिबेट्स डिस्कोर्सेस और पब्लिक थिंक टैंक जो है एस पब्लिक थिंक टैंक के एक्ट करता है। Despite the use of economic and well-being indicators as markers of of middle-class size, conceptualisation of middle class in India remains a complex task because of the presence of multiple status hierarchies like caste, communities, regions and so on. ठीक है? तो इसमें भी आपको काफी हायरिटीज कम्युनिटीज आप मिडिल क्लास हो तो आप कहाँ रहते हो आपका कौन सा एरिया है आप किस कास्ट से आते हो किस कम्युनिटी किस ग्रुप को बिलोंग करते हो तो ये सारी चीजें भी आपको मिडिल क्लास स्ट्रक्चर के साथ देखने को मिलती है आंद्री ने क्या कहा था कि जो आइडिया ऑफ मिडिल क्लास है इसको आपने ज्यादा ही कुछ रोमांटिसाइज किया है मतलब ज्यादा कुछ पॉजिटिव इसका बोला है कि इट इज एन आउटकम ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी वाइब्रेंट कैपिटलिस्ट इकॉनॉमी इंडिविजुअल फ्रीडम एक्सेट्रा लेकिन इंडिया में जो मिडिल क्लास है इसके खुद इतने सब, आ, ये हैं सब क्लासेस हैं विच आर ऑलवेज फाइटिंग फॉर दिस स्केयर्स रिसोर्सेस एंड दिस स्ट्रगल कैन भी अनहेल्दी एट टाइम्स कि मिडिल क्लास इतने पीसफुल और इतने वेल ऑफ एफ्लुएंट नहीं है इंडिया में उनमें खुद में इतनी प्रॉब्लम चल रही है मैंने कहा ना मिडिल क्लास में आपको बहुत सब क्लासेस मिलेंगे ये आपका मिडिल क्लास है तो कहीं पे अपर मिडिल क्लास है कहीं पर आपका मिडिल मिडिल क्लास है एंड कहीं पर आपका लोअर मिडिल क्लास है ये एक डिविजन हो गया अपर मिडिल क्लास में भी आपको एक तो अपर अपर मिडिल क्लास देखने को मिलता है लोअर अपर मिडिल क्लास फिर मिडिल मिडिल में भी आपको अपर मिडिल मिडिल देखने को मिलता है लोअर मिडिल मिडिल देखने को मिलता है तो बेसिकली इसमें काफी सब क्लास है जो खुद के लिए फाइट कर रहे हैं मार्जिनल क्लासेस की तरह इन मिडिल क्लास जो इट इज हाईली एक्सेप्ट टू इकोनॉमिक एंड सोशल अपहीवल्स इनको भी सारी सोसाइटी की जो प्रॉब्लम्स हैं वो फेस करनी पड़ती हैं

बिलो पॉवर्टी लाइन वाली कैटेगरी में दिसक्शन इन साइज ऑफ इंडियन मिडिल क्लास जो अकाउंटेड फॉर सिक्सटी परसेंट ऑफ द वर्ल्ड वाइड इन द मिडिल क्लास पॉपुलेशन तो इंडिया में ही कितना हुआ है सिक्सटी परसेंट ड्रॉप हुआ है वर्ल्ड वाइड तो हो ही रहा था उस वर्ल्ड वाइड का सिक्सटी परसेंट इंडिया में हुआ है डिस्पाइट सच फ्लक्चुएशन मिडिल क्लास इन इंडिया है शल रिमेन ऑन अ ग्रोथ पाथ एज इंडिया इन दुवर्ड्स डेवलपमेंट इकोनमी तो ये आपको पॉजिटिव नोट पे जरूरी एंड करना है ठीक है तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है सिक्स जिसका पीडीएफ आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम सेवन चैप्टर डिस्कस करेंगे टिल द टाइम आप लोग नेक्स्ट वीडियो व बाय टेक हैव अ ग्रेट डे